नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कोरोना के डर की वजह से सैकड़ों अस्थि कलश कर रहे हैं विसर्जन का इंतजार। शमशान भूमि में सैकड़ों अस्थि कलश पड़े हैं बेवारिस। मीरा भाईंदर से सामने आई धक्कादायक घटना। मीरा भाईंदर मनपा का अस्थि विसर्जन करने हेतु आगे आने परिवारों से आह्वान। पिछले साल 2020 में आई कोरोना नाम की बीमारी ने जिंदा और मुर्दा सभी इंसान को काफी परेशान किया, और आज भी कोरोना की वजह से लोगों की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कई लोगों ने इस बीमारी में अपना बहुत कुछ गंवा दिया, किसी का धन गया तो किसी ने तो अपने परिवार को ही खो दिया। इतना सब झेलने के बाद बमुश्किल अब लोग सदमे से उभरने लगे हैं। लेकिन इसी बीच आज मीरा भाईंदर क्षेत्र से जो ये रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट ने असल में कोरोना नामक बीमारी से फैले भय और डर को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल मामला है मीरा भाईंदर मनपा अंतर्गत कोरोना से हुई मौत के दाह संस्कार के बाद किए जाने वाले अस्थि विसर्जन का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म को मानता है, और हिंदू धर्म में किसी की मौत होने पर उस मृत शव को जलाया जाकर अंतिम विधि पूर्ण की जाती है। शव को जलाए जाने के अगले दिन मरने वाले व्यक्ति के परिवार का सदस्य शमशान भूमि में जाता है और वहां से मरने वाले शरीर की जली हुई अस्थियों को चुनकर एक कलश में भरकर लाता है। फिर अगले कुछ दिनों के दौरान उस कलश में भरी अस्थियों को पवित्र नदियों में बहाकर विसर्जित किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु एक अहम परंपरा है। कोरोना के इस काल के दौरान हिंदू धर्म की इस मुख्य परंपरा को ऐसा ग्रहण लगा कि मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन हिल गया। दरअसल कोरोना काल में कई सैकड़ों लोग कोरोना के चलते काल का ग्रास बन गए एवं समय से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए, जिसके बाद कोरोना का जो डर प्रशासन एवं लोगों के मन में था, उसके चलते कोरोना से मरने वाले सभी लोगों का अंतिम संस्कार बड़े ही डर के माहौल में संपन्न हुआ। कई बार तो कुछ परिवार ने अपने माँ बाप भाई बहन पति पत्नी आदि रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार में शामिल होने तक से इनकार कर दिया, और अगर जो लोग आए भी तो वह भी लोग क्रियाक्रम के समय सिर्फ वहां मौजूद रहे। क्रियाक्रम मनपा प्रशासन द्वारा संपन्न करवाया गया। एक बार अंतिम संस्कार करके लोग जो निकले, उनमें से वापस कोई अपने रिश्तेदार की अस्थियां चुनने आया ही नहीं, जिस कारण शमशान भूमि में कार्यरत लोगों ने ही उन सभी अस्थियों को चुनकर अलग अलग कलश में भरकर इस इंतजार में लेकर गए कि कभी तो इन अस्थियों का कोई वारिसदार आएगा जो अस्थियों को विसर्जन करने लेकर जाएगा। लेकिन कोरोना के डर के चलते कोई पलटकर अस्थियां लेने आया ही नहीं, जिस कारण मीरा भाईंदर के शमशान घर में सैकड़ों अस्थि कलश विसर्जन की राह देख रहे हैं, जिन्हें वीडियो में देखा जा सकता है। आखिरकार अब मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन ने इन अस्थि कलश को ले जाकर विसर्जन करने का आह्वान क्षेत्र की जनता से किया है। अब देखना यह है कि मनपा के आह्वान के बाद कितने लोग अपने मरे हुए रिश्तेदार की अस्थि विसर्जन करने अस्थि कलश लेकर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। भरपूर अशा नाही म्हणता येणार, पण मागच्या वर्षी दुर्दैवाने जे कोरोना काळात मृत्यू झालेले आहेत, अशा काही जणांच्या अस्थी महापालिकेच्या स्मशानभूमीत अजूनही आहेत। महापालिकेने त्या सुरक्षित जपून ठेवलेल्या आहेत। नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की आपल्या नातेवाईकांचे जर अशा अस्थी असतील तर आपण कृपया त्या संबंधित स्मशानभूमीतून त्या घेऊन जाव्या, की ज्याच्या जेणेकरून आपल्याला त्याचं विसर्जन करणं सोयीस्कर होईल। त्याचप्रमाणे अशा अस्थीचं नेल्या गेल्या नसतील अजूनही, किंवा कोणी नेल्या नाही, तर माननीय आयुक्त महोदयांशी याबाबत चर्चा करून त्याबाबत उचित निर्णय महापालिकेकडून घेतला जाईल। मीरा भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये ज्या काही ठराविक स्मशानभूमी होत्या, तिथे आपण कोविडचा मृत्यू झाला होता त्यांचं ते अंत्यसंस्कार करत होतो, आणि अंत्यसंस्कार केल्यानंतर ज्या काही अस्थी होत्या
त्या आपण सुरक्षित त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे नातेवाईकांच्या सांगण्याप्रमाणे आपण तिथे सुरक्षित ठेवलेल्या आहेत. परंतु असं निदर्शनास आलेलं आहे की आजही त्यांच्या नातेवाईकांनी त्या अस्थी आपल्याकडून नेलेल्या नाहीत आपल्या महानगरपालिकेच्या स्मशानभूमीमधून. तर त्या हिंदू धर्मामध्ये अस्थीला फार महत्त्व असतं, त्याचं काही विसर्जन असतं, विधिवत त्याची पूजा असते किंवा त्याचं जे विधिवत पिंडदान किंवा अस्थिदान करायचं अस्थी विसर्जन करायचं असतं ते हिंदू धर्मामध्ये केलं जातं. तर हे बरेच नातेवाईक असे आहेत की त्यांनी ते अजूनपर्यंत ते अस्थी नेलेल्या नाहीत. तर आपल्या माध्यमातून आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मी त्या संबंधित नागरिकांना विनंती करतो की ते अस्थी आहे ते त्यांनी आपल्या महानगरपालिकेच्या संबंधित कर्मचारी अधिकाऱ्यांना भेटून तिथून ते नेण्यात यावं अशी आपल्याला आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.